I'm
true.
ਮੱਝ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ ਟ੍ਰੈਪ ਜੀਵੀ ਗੱਸ ਕੱਟ ਕੱਟ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਚ ਮੱਝ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁੰਡੇ ਲਾਈਫ ਸੀਨਾ ਰਾਤਾਂ ਰੰਗੀਨਾ ਚੋਬਰ ਸ਼ਕੀਨਾ ਕੰਮਾਂ ਚ ਲੀਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਨਾ ਕਹਿਨਾ ਰਵੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੇ ਕਰ ਸੀਨਾ ਪੱਕੇ ਤਰਾਕਿਆ ਲਾਉਂਡ ਤੇ ਜਵਾਕਿਆ ਦਾਰੂ ਚ ਕਰਦੇ ਡਰਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਬਰਾਉਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇਸੀ ਜਗੀ ਦਾ ਟ੍ਰੈਪ ਜਿਵੇਂ ਹੀਟਾ ਸਿਰ ਕੱਟ ਗੱਜ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਚ ਵੱਜਦੇ ਬਰਾਉਣ ਮੁੰਡੇ लगा आपको ये आउटडोर टेस्टिंग और कैसा लगा ये पूरा वीडियो जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों आप सभी का ये क्वेश्चन होगा कि कौन सा अच्छा बस रहा है, यानी कौन सा अच्छा चल रहा था, तो इसका आंसर सिंपल से मैं बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है, इस बात का याद रखना है। बाकी आप सुन के या फिर खुद जाइए एक बार तो आप सुनिएगा। यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करूँ बीटा थ्री की, तो बीटा थ्री में दोस्तों मुझे जो कि लगा वहाँ पे कि हाँ आउटपुट जो है वो अच्छा आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 4 बेस का यूज में लिया था। दूसरे नंबर में एरोन्स को देना चाहूंगा, एरोन्स इंडिया को, वो रीजन ये है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 बेस में उनका जो लाउडनेस था, उनका जो क्लियरिटी था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और एरोन्स का सबसे बड़ा कि वहाँ पे आपके वो जो कि एम्पलीफायर है और जो कि प्रोसेसर जितना भी लगा रखा था वो सारा का सारा एरोन्स का ही यूज़ कर गया था। यहाँ पे अगर मैं तीसरा रखना चाहूँगा तो तीसरा मैं मिनी टोन्स का रखना चाहूँगा। मिनी टोन्स यहाँ पे तीसरा इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे 8 बेस का वहाँ पे यूज़ में लिया गया था। 8 बेस का काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, 4-21 इंची मुझे जो कि है वो देखने से लग रहा था, और ऊपर 4-18 इंची लगा रखे थे, तो वहाँ पे 8 बेस का यूज़ में लिया था, अच्छा बज रहा था। वहाँ पे पंच जो था उनका, मतलब आप कह लीजिए स्पेशली अगर आप पंच के लिए स्पीकर मांगे, मैं मिनी टोन को आज से सजेस्ट करना स्टार्ट करूँगा। उसके बाद में यहाँ पे अब बचता है हमारा ए प्लस और यहाँ पे प्रो साउंड्स को। इनमें थोड़ा सा मैं कन्फ्यूजन इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कि ए प्लस था उसका थोड़ा सा बेस का जो परफॉर्मेंस था वो अगेन थोड़ा सा बढ़िया था इससे, यानी प्रो साउंड से, प्रो साउंड के अंदर। लेकिन लाइनरे का जो कि आपको मिड हाई का जो क्वालिटी था वो अगेन अच्छा था। तो कह सकते हैं कि हाँ ए प्लस को यहाँ पे लाइनरे पे, या फिर हो सकता है कि पूरे सिस्टम पे, या फिर प्रो साउंड्स को भी पूरे सिस्टम पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत थी। लेकिन ए प्लस को मैं एक नंबर ज़्यादा दूंगा उनके बेस के लिए, बेस का परफॉर्मेंस अच्छा था और उनका एम्पलीफायर का भी परफॉर्मेंस अगेन अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा था काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो ये है दोस्तों मेरा ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि कौन सा अच्छा बज रहा था या फिर कैसा था, वो तो खैर आप जब सुनेंगे जानेंगे, यानी सामने जब सुनेंगे तभी डिसाइड कर पाएंगे। बाकी जरूर नीचे कमेंट्स में एक बार जरूर बताना। वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना चाहता है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ कुछ अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।